साहब यहाँ भी भूत है। काव्या, मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोच रहा था। What? नहीं नहीं, मैं रात भर सोच रहा था कि मुझसे गलती हुई। जो भी हो, मुझे एक लड़की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। I'm sorry। तुम चाहो तो जैसे मैंने मारा, तुम भी मुझे थप्पड़ मार सकती हो। मैं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मेरी थोड़ी इज्जत है। इंस्पेक्टर बाजीराव सिंगम, तुम जगह और टाइम बता दो, मैं गाल लेकर आ जाऊंगा। ओके बाय। दीदी क्या बोल रहा था वो अकड़ू? अकड़ू नहीं है, अच्छा है यार, सॉरी बोल रहा था। क्या ये लो, ये फेंक के मारो उसको। अरे जा रहे हो, ये फेंक के मारो उसको, मारो मारो। इतना गिरा हुआ आदमी है तू, अपने ही गांव के पुलिस वाले को मारना चाहता है? तेपन सिंगम ला। अरे छी अंजलि छी। अरे मैंने क्या, तुम लो मैंने। अरे कमाल है यार। गुड नाइट सिंगम, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। एक्चुअली वो मैं मार्केट गई थी कुछ खरीदने और किसी ने मेरा पर्स चोरी कर। मोबाइल चोरी हो गया घर से। आखिरी बार कहाँ देखा था? नंदू के पास। अब क्या हुआ? देखो ना सिंगम, अब इस बार कोई मेरी बैंगल छीन के भाग गया। देखो, लगता है चोर की फेवरेट ग्राहक तुम ही हो। कैसा दिखता था वो? इसके जैसा। चलो तुम घर जाओ, आज तुम्हारे चोर को मैं पकड़ के रहूंगा। जाओ। बाय बाय बाय। जाओ। सब मैंने चोरी नहीं की। वो तो मैं भी जानता हूँ कि चोरी किसी ने नहीं की। ये जो घाव लगाया है ना, ये इसने खुद लगाया, किसी कांटे से या वायर से। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? अरे उस दिन इसने कहा था ना कि इसका मोबाइल चोरी हो गया। हाँ, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। नंबर डाल कर। नंबर नंबर अपन डाल के लेला। नंबर उपस्थित नहीं, ये नंबर अभी मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ऐसा आ रहा है। अगर ये गाना आपको पसंद है तो स्टार दबाइए। एक पे मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे। दो पे शीला, शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। नंदू तेरी माँ कैसी है रे? एकदम फर्स्ट क्लास सिंगम भैया। नंदू का है? अंदर है। ये क्या आवाज थी केलकर? म्याऊ। लगता है या कोई आदमी है केलकर? म्याऊ। लगता है डब्बों के पीछे कोई है केलकर? म्याऊ। कौन हो सकता है केलकर? अरे बिल्ली है। ताली में खाता है, उसने पर्स मोबाइल रखा है। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। ठीक है भैया, देखो आपके नंदू ने क्या किया अपने घर में। सिंगम, इनफ इज इनफ। तुम्हें नहीं, अपने आप से कह रही हूँ, बहुत हो गया। एक्चुअली मैंने ही नंदू से कहा था वो सारी चीजें छुपा कर रखे। तुमसे मिलने बहुत बहाने ढूंढ लिए, बहुत झूठ बोलिए। इनफ इज इनफ। काव्या ये क्या मजाक है? ऐसा क्यों किया तुमने? सिंपल, आई लव यू यार। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है? ऐसे ऐसे बड़ों के सामने? क्यों बड़ों के सामने बोला, कोई क्राइम है क्या? और जो दिल में है वो ही बोला ना, इसमें हैरानी वाली बात क्या है? थोड़ी सबके सामने तुम्हें कोई पप्पी वप्पी दे दी। बोलू ना बोलू, अब बोलू कब बोलू, इसमें सालों निकल जाते। आज सुबह जब गुंडों ने मुझे छेड़ा था, तब अपने सिंगम को ही क्यों बुलाया? क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे गांव में सिर्फ यही एक है जो मेरे लिए उनसे लड़ सकते हैं। हाँ कि ना? आजी, होने वाला जमाई अगर इसी गांव का होगा तो आपका बेटा 5 साल में नहीं, हर महीने अपने घर आता रहेगा। हाँ कि ना? आई, शादी से पहले लड़के की फैमिली का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है, और इनकी फैमिली का इन एंड आउट तो आपको पता ही है। हाँ
पता है ना, और ये भी पता है कि इनका होलसेल का बिजनेस है, तो लड़का आएगा तो ढेर सारा सामान भी लाएगा। काकी देखा, सबकी हाँ हो गई, अब तुम भी हाँ कर दो, फिर आगे तुम्हारे घर वालों से बात मैं कर लूंगी।